नमस्कार। हम सामुदायिक संस्थाएं यानी कि स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संगठन में जो उपलब्ध हो रहा है अलग अलग निधियों के बारे में हम इससे पहले बात किया है। अभी हम बात करेंगे सामाजिक निवेश कोष राशि यानी कि कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड और इसी को CIF अंग्रेजी में बोलते हैं। वो CIF राशि डे NRLM में जो बनाए गए कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशंस को मिल रहा है, राज्य में जो हर राज्य में जो बनाया गया SRLM का थ्रू डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक में, ब्लॉक से क्लस्टर लेवल फेडरेशन में ये फंड जाते हैं। ये फंड की जो मैनेजमेंट कैसे होते हैं, ये फंड किस उद्देश्य से दिया जाता है, कितना पैसे तक ये मिलता है एक एक SHG में, और ये फंड एक बार देने के बाद कहाँ जाता है, कौन किसको देते हैं, कौन किसको वापसी करते हैं, इसका ब्याज दर क्या है, इसमें टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप्स क्या होता है, ये पूरा पूरा कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड या कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट या सपोर्ट फंड CIF भी बोलते हैं, CIF भी बोलते हैं, जो सामाजिक निवेश कोष राशि जो हिंदी में बोलते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो NRLM में जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत तीन स्तरीय संस्था आपको आप जमीन में देख सकते हैं, फील्ड में देख सकते हैं, वो है स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और CLF। इसी को कुछ कुछ राज्यों में अलग अलग नाम से बोलते हैं। SHG जो है वो हर एक राज्य में SHG बोलते हैं, लेकिन जो VO को कुछ कुछ राज्यों में अलग नाम से बोलते हैं। इसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी लेवल फेडरेशन, नाम कोई भी होने दो लेकिन ये प्राइमरी लेवल फेडरेशन है। ये CLF जो है बहुत सारा राज्यों में अगर देखा जाए तो ये क्लस्टर लेवल में फॉर्म होता है, इसीलिए इसको क्लस्टर लेवल फेडरेशन बोला जाता है। कुछ कुछ राज्यों में इस ये विलेज ऑर्गेनाइजेशन के बाद सीधा ब्लॉक लेवल पे जो फेडरेशन बनता है, लेकिन ये है सेकेंडरी लेवल फेडरेशन SLF। ठीक है, जो NRLM जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो बनाया उसमें विलेज ऑर्गेनाइजेशन मतलब SHG की द्वारा बनाए गए पहला फेडरेशन को प्राइमरी लेवल फेडरेशन, और प्राइमरी लेवल फेडरेशंस को मिलाते हुए बनाने वाले जो फेडरेशन को सेकेंडरी लेवल फेडरेशन बोलते हैं। भले ये क्लस्टर लेवल पे हो सकता है या तो ब्लॉक लेवल पे हो सकता है। ठीक है, हाँ ये ध्यान देने वाला बात है। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे। ये क्या किस उद्देश्य से ये सामाजिक निवेश कोष राशि यानी कि कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड दिया जाता है। ये फंड जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत अनुदान राशि नहीं है। NRLA में कहीं पे अनुदान वाली बात नहीं है। अभी पूरा ये लोन है, ये चक्रीय निधि है, ये रिवॉल्विंग होता रहता है संस्थाओं की बीच में होता है। ये कैसा होता है हम जानेंगे, वो जानने से पहले किस चीज़ के लिए दिया जाता है। तो ये पैसे से सामाजिक आर्थिक काम करने के लिए, कामों में बढ़ोतरी लाने के लिए। सामाजिक में क्या होता है, सामाजिक में अगर आप देखा जाए तो कोई मतलब कंजम्पशन नीड्स भी जिसको बोला जाता है, मतलब खाना पानी वगैरह वगैरह चीज़ों के लिए, हेल्थ के बारे में, खाने के लिए और पीने के लिए और हेल्थ के बारे में, घर के बारे में और कपड़े के बारे में वगैरह वगैरह जो चीज़ों को कंजम्पशन नीड्स के लिए भी इस पैसों से लोन दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं कंजम्पशंस के लिए। ठीक है, और दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, मतलब कभी कभी किसी बाहर की व्यक्तियों से भी लोन लिया होगा, वो ज़्यादा ब्याज में लिया होगा, ऐसी ज़्यादा ब्याज से मुक्ति पाने के लिए, उसको चुपता करने के लिए भी ये पैसा ले सकते हैं, मतलब वो वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए भी ये राशि को इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब बाहरी कर्जा मुफ्त, कर्जा से मुफ्त होने के लिए भी। ठीक है, और दूसरा जो है
छोटा मोटा कारोबार करने के लिए, मतलब चक्की का मशीन हो, किराना दुकान हो, नहीं तो कुछ एग्रीकल्चर हो, खेती को जो भी हो सकता है, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती है। और लाइवलीहुड एक्टिविटी मतलब जो तीन चार महिला मिलके भी कुछ काम करना है तो वो काम भी कर सकते हैं, कुछ उत्पादन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कुछ ठेका में लेके काम करना चाहते ऐसा भी कर सकते हैं, और कौशल विकास के लिए भी ये पैसा खर्च कर सकते हैं। ऐसा लाइवलीहुड एनहांसमेंट के लिए भी ये फंड यूज़ कर सकते। और दूसरा क्या है, क्रेडिट वर्दीनेस, यानी कि बाहरी वित्तीय संस्था, जो मेन जो बैंकिंग व्यवस्था है हमारा जो देश में देखा जाए तो, जहाँ पे आपको जितना भी निधि चाहिए उतना भी निधि मिल सकता है। सरकार का भी सोच ये है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय का सोच ये है, जो पूरा हिंदुस्तान में जितने भी जो गरीब लोग हैं, वो गरीब लोग मेहनत कर रहा है, जो अपना मेहनत करते हुए वो गरीबी से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन उनका कला और कौशल विकास करने में DNRLM काम करेगा, लेकिन उनको जितना पैसा का, जो पूंजी का जरूरत पड़ता है, उतना पैसा सरकार में शायद नहीं है। इसीलिए जो इन लोगों को थोड़ा सा पैसे मैनेजमेंट करने में, इन लोगों का कौशल को विकास करेंगे, यानी कि मैनेजमेंट में उन लोगों को ट्रेनिंग या एक अनुभव दिलाएंगे। वो अनुभव दिलाना है तो पैसा दिए तो पैसा का मैनेजमेंट कैसा करना पता होता है। इसलिए ये पैसा इंडिविजुअल को नहीं दे रहा है, व्यक्तिगत रूप से नहीं दे रहा है, भले ये व्यक्तिगत को मिल रहा है लेकिन थ्रू संस्था के माध्यम से मिल रहा है। इसलिए सरकार ये सामाजिक निवेश कोष राशि ये सामुदायिक संस्थाओं में देखे, वो संस्थाओं में पैसे घुमाने की, पैसे मैनेजमेंट की, प्रबंधन की जो प्रवृत्ति है, जो आदत है, ये बढ़ा रहा है। बढ़ाने से मतलब छोटा छोटा कर्जा लेना और उसको वापसी करना, और लोन किसको देना, कितना इंस्टॉलमेंट में फिक्स करना, वो इंस्टॉलमेंट किस विषय के आधार पर करना, ये प्रायोरिटाइजेशन कैसे करना, ब्याज कितना, ब्याज दर कितना फिक्स करना, आदि विषय जब ये थोड़ा बहुत ये राशि सामुदायिक संस्थाओं में देने से लोग चर्चा करते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं, वो प्रबंधन करते करते उन लोगों में फंड मैनेजमेंट का जो वित्तीय साक्षरता बढ़ता है, और वित्तीय प्रबंधन के ऊपर उन लोगों को अच्छा पकड़ आता है, ताकि बुक कीपिंग भी बेहतर होता है। तो धीरे धीरे इस संस्थाओं को, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो या बैंकिंग जो सिस्टम हो, उससे जोड़ना सरकार का या NRLM या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य मकसद है। इसीलिए थोड़ा बहुत पैसा दे रहा है, उससे इन लोगों को एक आदत लाने के लिए, ये रुचि पैदा करने के लिए ये करना है। मतलब ये एक मछली दे के वो मछली पकड़ना उचित, उसके ऊपर रुचि पैदा करके, मछली देने से क्या होगा, उसके वो खाने से उसके ऊपर रुचि पैदा होगा, अगर वो रुचि पैदा होगा तो मछली के लिए लोग ढूंढते हैं। इसे गरीब लोगों को समूह में लाना और संस्थाओं में लाना, और उन लोगों को थोड़ा बहुत पैसे लेन देन करने का मौका देना, और बड़ी मात्रा में काम करने का एक रुचि पैदा करना, और जब वो जब रुचि पैदा होता है तब वो लोगों को एक मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जोड़ने की अनुभव उन लोगों में देना। और दूसरा, बैंक भी पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन उन लोगों को एक डाउट है, ये सामुदायिक संस्थाओं में पैसा दिए तो ये क्या वापस आता है क्या, ये गरीब लोग कैसा वापस करते हैं, ऐसी विषय को लेके उन लोगों में दिमाग में थोड़ा सा डाउट्स है। वो डाउट्स को क्लियर करना है तो भी यहाँ पे कुछ काम करके दिखाना, इस उद्देश्य से ये CF राशि इन संस्थाओं को दिया जाता है। निधि सामाजिक कोष निवेश कोष राशि जो है भारत सरकार से, राज्य सरकारों में जो SRLMs रहता है, SRLM को मिलता है। SRLMs अपना जो जिला स्तर की कार्यालय डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट में भेजते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट यूनिट ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट में भेजते हैं, ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट से क्लस्टर लेवल फेडरेशन में ये पैसा जाते हैं। कभी कभी हो सकता है तो डिस्ट्रिक्ट से सीधा ब्लॉक में जा सकता है, कभी कभी शुरुआत में शायद स्टेट से भी क्लस्टर लेवल फेडरेशन में गया होगा, लेकिन अगर सही संरचना ढांचा है तो नेशनल से स्टेट, स्टेट से स्टेट अपना पोर्शन उसमें मिला के डिस्ट्रिक्ट में भेजना, डिस्ट्रिक्ट कार्यालय ब्लॉक कार्यालय में, ब्लॉक कार्यालय से क्लस्टर लेवल फेडरेशन को ये पैसा मिलता है। कैसे मिलता है, ये एक SHG को 1,10,000 की हिसाब से, पर SHG को ये इस हिसाब से ये राशि रिलीज होता है। कितना SHG को, कोई भी क्लस्टर में
जितना एसएचजी है उसमें से आधा एसएचजी को ये इस रेशियो में पैसा मिलता है। मान के चलेंगे 300 एसएचजी है एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन में, उसमें 150 एसएचजी को 1,10,000 के हिसाब से मिलने की संभावना है। लेकिन एनआरएलएम पैसा ऐसा रिलीज करता है, वहाँ की पावर्टी रेशियो, गरीबों की संख्या, गरीबी स्थिति के हिसाब से पैसा रिलीज होता है। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा कम भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1,10,000 रुपया, कम से कम 50,000 रुपया, 70,000 रुपया वो राज्य की जो नीति के हिसाब से मिलता है। लेकिन मिलने का जो स्थिति ये है, मिलने की जो तरीका ये है, राज्य सरकार द्वारा जिला, जिला से ब्लॉक, ब्लॉक से क्लस्टर लेवल फेडरेशन में ये पैसा मिलता है। और ये मिलने के बाद ये पैसा फिर क्लस्टर लेवल फेडरेशन से सरकार को नहीं जाता है। ये एक वन टाइम ग्रांट टू सीएलएफ, मतलब क्लस्टर लेवल या सेकेंडरी लेवल फेडरेशन को सरकार की द्वारा दिया गया ग्रांट है, एक ही बार की ग्रांट है। ये सरकार को नहीं देना, इसका मतलब अनुदान नहीं है, ये ग्रांट है। फिर भी ये चक्रीय निधि के रूप में दे रहा है, इसको रिवॉल्व करना क्लस्टर लेवल फेडरेशन का जिम्मेदारी है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ेंगे। ये पैसा लेने के लिए, सरकार से पैसा लेने के लिए कोई भी क्लस्टर लेवल फेडरेशन को क्या क्या योग्यता रहना चाहिए हम देखेंगे। वो क्लस्टर लेवल फेडरेशन ये फंड पाना है तो क्या चाहिए, उसका नाम से बैंक अकाउंट रहना चाहिए, सेविंग बैंक अकाउंट, और उसका प्रोफाइल जो सीएलएफ का प्रोफाइल, अपडेटेड प्रोफाइल जो है डे एनआरएलएम की एमआईएस पोर्टल में अपलोड होके रहना चाहिए। अगर एमआईएस पोर्टल पे अपलोड नहीं हुआ ये फंड आपको नहीं मिलेगा। और स्टैंडर्ड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब जो भी राज्य सरकार यानी कि एसआरएलएम आपका जो तय किया जाता कि करता है, ये इतना प्रकार की पुस्तक रहना चाहिए सीएलएफ लेवल पे, वो सारे पुस्तक वहाँ पे रहना चाहिए। और ट्रेंड बुक कीपर या उसका नाम मैनेजर बोलो, कोऑर्डिनेटर बोलो, अकाउंटेंट बोलो, जो भी बोलो, लेकिन ये ट्रेंड, ये पुस्तक रहना चाहिए। पुस्तक लिखने के लिए उसके ऊपर ट्रेनिंग होके वो पुस्तक बुक कीपर रहना चाहिए। अपडेटेड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, अपडेटेड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स वहाँ पे रहना चाहिए। और स्टार्टअप कास्ट लेके रहना चाहिए। स्टार्टअप कास्ट के बारे में हमने आपको बाद में बता देंगे, पूरा फंड्स का विवरण हम जब बताएंगे तब बता देंगे। ठीक है, स्टार्टअप फंड मिलके रहना चाहिए। और ये सीएएफ सामाजिक निवेश कोष राशि प्रबंधन के ऊपर ये सीएलएफ का ईसी वो भी लोग प्रशिक्षण लेके रहना चाहिए। और जब से बने हुए हैं तब से जो नियमानुसार ईसी बैठक होते रहना चाहिए, और वो बैठक में 90% से ज़्यादा अटेंडेंस होते रहना चाहिए। और मिनिमम स्टाफ जैसा अकाउंटेंट हो, या एमआईएस कोऑर्डिनेटर हो, या थोड़ा मतलब फील्ड की लेवल की वर्कर हो, जो और एक ऑफिस हो, मिनिमम स्टाफ वगैरह वगैरह लोग यहाँ पे रहना चाहिए। ये है एक एमआईएस, एक सीएलएफ को सीएएफ राशि लेने की योग्यता। ठीक है, और दूसरा फिर ये राशि सीएलएफ से किसको मिलता है, वीओ को मिलता है ये राशि। ये राशि सीधा एसएचजी को नहीं मिलता है, सीएलएफ बनते हैं वीओ की दौरान। आप हमारा जो सीएलएफ का निर्माण के बारे में जो वीडियो आपको जल्द से जल्दी मिलेगा वो आप देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा ये संरचना क्या है, ढांचा क्या है, इसका निर्माण कैसा होता है। इसीलिए ट्रांजैक्शन सीएलएफ से वीओ, वीओ से एसएचजी होता है। इसीलिए सीएलएफ क्या करता है, ये योग्यता दिखाने के बाद जो सरकार से पैसा सीएलएफ में मिलेगा, मिलने के बाद सीएलएफ वीवो को देता है। देता है तो जितने सारे वीवो से उसका अंदर सारे वीवो को नहीं देता है, जिसको योग्य माना जाता है उसको देता है। अगर जो सीएएफ राशि लेना है तो वीवो को क्या योग्यता रहना आप देख लीजिएगा। रेगुलर मीटिंग्स, जब से निर्माण हुआ है तब से नियमानुसार बैठक होते रहना चाहिए। और 90% से ज़्यादा ईसी मेंबर्स का बैठक में, ईसी मेंबर्स का अटेंडेंस बैठक में होना, उपस्थिति बैठक में होते रहना चाहिए। और जो जो भी फंड ग्राम संगठन में है, खुद का निधि हो, जो भी निधि हो दिया गया है, वो निधि लोन के रूप में एसएचजी को दिया गया, उसका रिकवरी, रीपेमेंट एसएचजी के द्वारा 90% से ऊपर रिकवरी ये ग्राम संगठन में होते रहना चाहिए। और ओवरड्यू या जो ओवरड्यू जिसे कहते हैं, जो ऋण प्रणाली या ऋण योजना के हिसाब से, वापसी प्रणाली के हिसाब से जो वापसी नहीं होता है उसको ओवरड्यू बोला जाता है। अभी मतलब 40 डेज से ज़्यादा
जो पैसा आने वाले पैसा नहीं आया वो आइडल वो एनपीए है, मतलब वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला जाता है, ओवरड्यू है, बकाया। अब अगर बेहतर समझना है तो जितना पैसा आना चाहिए उतना पैसा आया नहीं है, कुछ 40 दिन से या 1 महीने से 2 महीने से नहीं आया, ऐसा पैसा 2% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, लेस देन 2% रहना चाहिए, कम 2% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए ओवरऑल उनका निधि में, उनका निधि में 2% से ज़्यादा एनपीए ओवरड्यू नहीं रहना चाहिए। और निष्क्रिय राशि यानी कि मतलब बैंक में पड़ा हुआ है, बैंक खाता में फंड पड़ा हुआ है, या ये वीवो यूज़ नहीं कर रहे, या एसएजी नहीं यूज़ कर रहे, या सीएलएफ नहीं यूज़ कर रहे, ऐसी निष्क्रिय राशि 10% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर 10 लाख है तो 1 लाख तक वो 1 लाख से कम रहना चाहिए, अगर 1 लाख फंड है तो उसमें 10,000 से ज़्यादा निष्क्रिय राशि उसका अकाउंट में नहीं रहना चाहिए। और अपडेटेड बुक्स रहना चाहिए, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स पुस्तक संचालन के लिए बताया गया है, वो आपका SRLM, वो SRLM बताया गया पुस्तक सही से सारे पुस्तक रहना चाहिए, वो अपडेटेड रहना चाहिए, और वो लिखने वाले पुस्तक संचालक या संचालिका ट्रेन्ड होके रहना चाहिए, और वो ग्राम संगठन ए या बी कैटेगरी में रहना चाहिए। अगर ये उनमें हैं, ये क्वालिटीज़, ये योग्यता विलेज ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो वो लोग एलिजिबल हो जाएगा CLF में पैसा, CAF पैसा लेने के लिए। तब ये अगर योग्यता है तो क्या करेगा VOEC, वो CLF को रिकमेंड पूछेगा हमको पैसा चाहिए करके। अब ये आगे बढ़ते हैं, ये वीवो क्या करेगा फिर, वीवो SHG को पैसा देगा, मेंबर को डायरेक्ट नहीं देगा ना, इसीलिए SHG को पैसा देना है तो एक वीवो में 15 हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, नंबर कितना भी हो, हर SHG को नहीं देता है, जो SHG योग्य है, पात्रता है, उसी SHG को देते हैं। पात्रता क्या होना चाहिए CF राशि लेने के लिए, एक SHG को एक बार नज़र डालते हैं। ठीक है, देख लीजिए, SHG बन के 6 महीने ओके रहना चाहिए, 6 महीने का उम्र SHG को रहना चाहिए, और वो SHG को बैंक शाखा में बचत खाता ओपन होके रहना चाहिए, और SHG का अपडेटेड प्रोफाइल DNRLM की MIS पोर्टल पे अपलोड होके रहना चाहिए, और ये SHG ए या बी ग्रेड में हो रहना चाहिए। ठीक है, सी ग्रेड वाले, डी ग्रेड वाले को ये पात्रता नहीं है, और ये फंड लेना है तो MCP के ऊपर प्रशिक्षण लेके और MCP तैयार करके रहना चाहिए, MCP आप जानते हैं, माइक्रो क्रेडिट प्लान तैयार करके रहना चाहिए, और पंचसूत्रा पालन करते रहना चाहिए, रेगुलर मीटिंग, रेगुलर सेविंग, रेगुलर इंटरनल लर्निंग, रेगुलर रिपेमेंट और रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसको पंचसूत्र पालन बोलते हैं, ये पंचसूत्र पालन करते रहना चाहिए। और SHG कॉन्सेप्ट यानी कि समूह की गठन और समूह की मैनेजमेंट प्रबंधन के बारे में और MCP के बारे में सारे सदस्यों को प्रशिक्षण ओके रहना चाहिए, ये है SHG CAF राशि लेने की पात्रता। अगर ये लेने की पात्रता तीनों को, CAF राशि CLF लेने की पात्रता क्या है, CAF राशि VO लेने की पात्रता क्या है, और SHG CAF राशि लेने की पात्रता क्या है, हमने देख चुके हैं, और हम ये भी बात किए हैं CAF राशि एक SHG को 1,10,000 की हिसाब से क्लस्टर संगठन में कितना है, पॉसिबिलिटी कितना है SHG बनने का, उसमें से आधा नंबर SHG को रेशियो को हिसाब से भेजते हैं, ये पैसा कम भी हो सकता है लेकिन अधिकतम इसका हिसाब से ब्लॉक लेवल फेडरेशन या डिस्ट्रिक्ट लेवल मिशन मैनेजमेंट यूनिट से क्लस्टर लेवल फेडरेशन में 3-4 ट्रांचेस में मिलता है, ऐसा नहीं एक ही बार मिलेगा, एक एक साल कुछ कुछ पैसा शायद मिलता है, 2-3 साल में ये पैसा क्लस्टर लेवल फेडरेशन में मिलता है। ठीक है, अभी एक विषय बात करेंगे हम, ये हाँ ये मिलेगा कैसा, SHG मेंबर क्या करेगा, अपना जरूरत को MCP प्रशिक्षण लेने के बाद अपना जरूरत के बारे में बताएगा, ऐसा सारे मेंबर्स का जरूरत को SHG क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा, उसको MCP बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो क्रेडिट प्लान मेंबर्स का नीड्स को कंसोलिडेट करते हैं SHG, उसको MCP बोलते हैं, वो MCP तैयार करके क्या करते हैं SHG VO में भेजते हैं, VO में भेजने के बाद VO क्या करते हैं, VOEC में SHG का प्रतिनिधि लोग चर्चा करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे चर्चा होते हैं, चर्चा होने के बाद VO में अगर सामुदायिक निवेश कोष राशि है
तो वो सीधा एसएचजी को देते हैं। अगर नहीं है तो क्या करते हैं, वीवो ईसी सीएलएफ को भेजते हैं। सिर्फ एक एसएचजी का नहीं है, वीवो में कई सारे एसएचजी रहते हैं। अगर चार पांच एसएचजी अपना एमसीपी प्रेजेंट किया, वो चार पांच एसएचजी का एमसीपी को कंसालिडेट करके वीवो एक एमसीपी बनाते हैं। वो एमसीपी वीवो का प्रतिनिधि लोग सीएलएफ की ईसी बैठक में लेके जाते हैं। तब सीएलएफ की ईसी बैठक में जाते हैं, वीवो हर वीवो अपना एजेंडा बिंदु के अनुसार इसके बारे में कंसालिडेटेड एमसीपी जो वीवो तैयार किया है उसका प्रेजेंटेशन हो जाएगा। वो सीएलएफ ईसी उसके ऊपर चर्चा करेगा, वीवो का पात्रता देखेगा, एसएचजी का पात्रता देखेगा। देखने के बाद अगर सहमत हो गया तो सीएलएफ ईसी उसको मंजूर करेगा। मंजूर करने के बाद वो राशि सीएलएफ से वीवो में आएगा, वीवो से एसएचजी में जाएगा, एसएचजी से मेंबर को जाएगा।